नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे असुर की कहानी जो जब भी अपने हाथ से किसी चीज को छूता था तो वो जलकर भस्म हो जाती थी। ये कहानी है भस्म असुर की। बहुत समय पहले की बात है, भस्मासुर नाम का एक दैत्य है, बड़ी कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को प्रसन्न करता है। भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे पूछते हैं, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? हे प्रभु, मुझे सदा अमर रहने का वरदान दो। शिव जी बोले, नहीं भस्मासुर, ये वरदान ना आज तक कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिल सकता है, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तुमको कुछ और वरदान मांगो। भस्मासुर को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया और उसने बड़े ध्यान से बहुत देर सोचा कि मैं शिव जी से इस अपमान का बदला कैसे लूं। और उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, भगवान शिव, अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दे कि मैं जिस भी चीज को, वस्तु को, जीवित प्राणी को इस हाथ से छूं वो उसी वक्त भस्म हो जाए। शिव जी ने बोला, ये वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं, तथा सु भस्मासुर। और ऐसा कहकर शिव जी जाने के लिए मुड़े। पीछे से भस्मासुर ने बोला, पर प्रभु रुके, मुझे एक बार इस वरदान की सत्यता की जांच तो करने दो। शिवजी ने जैसे ही उसको देखा वो समझ गए कि उसके मन में क्या है, और भस्मासुर अपना हाथ सीधा करके शिवजी की तरफ दौड़ा। शिवजी भस्मासुर को देखकर भागे और भस्मासुर शिवजी के पीछे भागा। और जैसे ही वो भागा, उसका एक हाथ एक पेड़ को छुआ और पेड़ उसी वक्त जलकर भस्म हो गया। शिवजी ने अपने आप को एक जगह पर छुपाया और भगवान विष्णु की तरफ ध्यान लगाया। विष्णु जो अपने विष्णु लोक में शेष नाग के ऊपर आराम कर रहे थे, वो उठे और लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराए और बोले, शिव जी दोबारा कोई अटखेलिया कर रहे हैं, मैं अभी जाकर वापस आता हूँ। विष्णु शिव जी के सामने प्रकट हुए और बोले कि भगवान, इस बार आपने क्या कर दिया? शिवजी ने विष्णु को वरदान की पूरी कहानी सुनाई और विष्णु ने शिवजी को देखा और बोले, आप तो भूतनाथ हैं, इस पूरी सृष्टि में किसी भी काल में कोई भी चीज ना आपको छू सकती है ना आपको नष्ट कर सकती है। और शिवजी अपनी जगह पर खड़े हुए और मुस्कुराते हुए विष्णु को बोले, पर दुनिया को शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा कहानियों से आती है। विष्णु ने मुस्कुराते हुए शिव जी को देखा और बोले, आपने बिल्कुल सत्य कहा महादेव। और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उसी समय एक खूबसूरत स्त्री का रूप धारण किया जिसका नाम था मोहिनी। और वो भगवान शिव की तरफ मुड़े और बोले कि देखिए प्रभु, आपके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ऐसा कहकर मोहिनी रूप में विष्णु जंगल की तरफ गए जहां पर भस्मासुर शिव जी को ढूंढ रहा था। भस्मासुर ने जैसे ही एक खूबसूरत स्त्री को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो अपनी जगह रुक गया और मंत्र मुग्ध होकर मोहिनी को देखने लगा और बोला, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं, जल्दी ही इस पूरी सृष्टि पर मेरा राज्य होगा। भगवान शिव भी मुझसे डरते हैं, तुम इसी वक्त हाँ बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। मोहिनी इठलाती हुई भस्मासुर के पास पहुंची और बोली, मैं तुम्हारी हो सकती हूं अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम मेरे लायक हो। मुझे नृत्य बहुत पसंद है, अगर तुम मेरे नृत्य की हूबहू नकल कर सकते हो तो मैं सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। भस्मासुर ने सोचा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे नृत्य को हूबहू नकल करके दिखाऊंगा। और इस तरह से भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में नृत्य करना स्टार्ट किया और भस्मासुर ने मोहिनी के नृत्य की नकल करनी स्टार्ट की। जैसा मोहिनी करती वैसा ही भस्मासुर करता। धीरे धीरे समय बीतता गया
और मोहिनी का डांस और तेज होता गया। भस्मासुर ने उसी तेजी से मोहिनी के डांस की नकल करनी स्टार्ट की और ऐसा करते करते पूरे जंगल में मोहिनी और भस्मासुर नृत्य करने लगे। अंत में एक समय आया जब डांस अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और उसी वक्त मोहिनी ने नृत्य करते करते अपना हाथ अपने सिर पर टच किया। भस्मासुर जो मोहिनी के डांस की हूबहू नकल कर रहा था उसने भी अपना हाथ उठाया और अपने सिर पर रखा और उसी वक्त वो जलकर भस्म हो गया। और इस तरह से भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में शिव जी के रचाए हुए खेल का अंत किया। मोहिनी और भस्मासुर की ये कहानी दक्षिण भारत में एक कुचिपुड़ी नृत्य के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनी। बहुत पीढ़ियों से वहाँ के कलाकार इस कहानी को अपने नृत्य के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर कभी आप केरला जाएं, तो मोहिनी और भस्मासुर का कुचिपुड़ी नृत्य देखना ना भूलें। इस कहानी से हम अपनी आधुनिक और मॉडर्न लाइफ में किस तरह की प्रेरणा ले सकते हैं। हम सबकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है या आएगा जब हम अपने अंदर के भस्मासुर को जन्म देते हैं। वो समय जब हम अहंकार में डूबे होते हैं या अपने लालच से घिरे होते हैं या लोगों से घृणा करते हैं। उस समय ना सिर्फ हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं पर खुद के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। और यही वो समय होता है जब ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक मोहिनी रूप में चाहे पुरुष स्त्री या कोई और चीज़ आती है जो उसका संपूर्ण विनाश कर देती है और उसको ख़त्म कर देती है। मोहिनी और भस्मासुर की ये कहानी हमारे लिए संदेश है कि हमें अपने अंदर के भस्मासुर को पैदा होने से रोकना है। व्यापार के क्षेत्र में भी इस कहानी की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप स्टीव जॉब्स जो एप्पल के बहुत बड़े निर्माता थे, एप्पल कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने अपनी कंपनी में एक सीईओ को रखा जिसने अंत में भस्मासुर बनकर उन्हीं को उस कंपनी से बाहर निकाल दिया। स्टीव जॉब्स शिव जी की तरह कहीं छुपे नहीं पर काफ़ी टाइम तक वो उस कंपनी से दूर रहे और उन्होंने अपने वहाँ भी एक मोहिनी जैसी चीज़ का निर्माण किया जिसको देखकर वापस वो एप्पल में आए और उन्होंने उस भस्मासुर को उस कंपनी से उसका विनाश किया और उसको बाहर निकाला। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे पुराने एपिसोड में रक्त बीज की कहानी देखना ना भूलें। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। वो कहानी है अंधका की। मैं संदीप वर्मा कोबाल्ट ब्लू फाउंडेशन की तरफ से मनोकामना करता हूँ कि आप खुश रहें और शांत रहें। ये हमारा प्रोग्राम है बियॉन्ड माइथोलॉजीज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।